हेलो फ्रेंड, मैं दीपक उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स। तो फ्रेंड, आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज शेयर का टेक्निकल एनालिसिस। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं IEX के स्टॉक में कंसिस्टेंटली बैक टू बैक हमें गिरावट देखने को मिल रही है। इस गिरावट का टेक्निकल रीजन क्या है, वो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कहाँ तक ये गिरावट कंटिन्यू रह सकती है, कहाँ पर आपको बाइंग करना चाहिए और कहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर जो चार्ट प्रेजेंट किया गया है, यही डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट यहाँ पर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करते हुए आपको शो कर रही है, जिसे हमने यहाँ पर कर दिया है हाईलाइट। अब आप देखेंगे ऊपर की तरफ 151 रुपए से स्टॉक नीचे गिरता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक जब गिरता है नीचे की तरफ कहां तक की गिरावट हमें दिखती है, 140 रुपए तक। ये देखिएगा एक हल्की तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है और इस तेजी के बाद स्टॉक में आपको फिर से गिरावट देखने को मिली और ये गिरावट स्टॉक को कहां तक गिराती है, तो आप देखेंगे नीचे की तरफ लगभग 135 तक आने के बाद आपको एक हल्की सी तेजी यहाँ पर देखने को मिलती है और फाइनली एक बार फिर से स्टॉक नीचे की तरफ जाता है 132 रुपए तक। यहाँ से स्टॉक के अंदर फिर से आपको तेजी देखने को मिली और ये तेजी स्टॉक को फिर से 151-152 के लेवल पर ले करके चली जाती है। ये देखिएगा यहां पर जाने के स्टॉक के अंदर फिर गिरावट होती है और ये गिरावट स्टॉक को नीचे गिराती है। कहां तक, तो आप यहां पर देख सकते हैं नीचे की तरफ स्टॉक गिरा, कहां तक की गिरावट हुई, लगभग लगभग 128 रुपए तक स्टॉक यहां पर हमें आता हुआ दिखाई देता है। एक बार फिर से तेजी आती है और ये तेजी स्टॉक को लेकर के जाती है 145 रुपए तक। यहां पर स्टॉक में फिर से गिरावट हुई, 132 रुपए पे सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक यहां पर हल्का सा ऊपर की तरफ जाता है 140 तक जाने के बाद डबल बॉटम यहां पर बना, एक बार फिर से 132 पे स्टॉक आता है। यहां पर आप देखिएगा ये देखिए एक बॉटम आपको यहां दिखाई देगा, एक बॉटम आपको यहां पर देखने को मिलेगा। यहां से स्टॉक के अंदर आती है तेजी और ये तेजी स्टॉक को ऊपर लेकर के जाती है 150 रुपए के भी ऊपर। ये देखिएगा 154 रुपए के आसपास आपको स्टॉक यहां पर देखने को मिल जाता है और इसके बाद जो गिरावट स्टार्ट हुई है तो कंसिस्टेंटली गिरावट हुई। अब आप देखिए क्या इसके पहले हमें गिरावट नहीं दिखाई, देखिए यहां पर भी गिरावट हुई थी और यहां पर भी, ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। यहां पर स्टॉक अगर आता है और यहां से कोई रेड कैंडल बनती है, डेफिनेटली आपको नीचे की तरफ क्या करना है, नीचे स्टॉक जाएगा, इस बात को अपने माइंड में रखना है। यहाँ पर आपको बता दूं यदि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा और अच्छा वॉल्यूम अगर देगा तब यहाँ पर ब्रेकआउट पॉसिबल होगा। फिलहाल आपको बता दूं 300 रुपए के भी ऊपर से गिर करके ये स्टॉक कहां तक गिर गया था, 128 रुपए के आसपास तक, और अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 142। अभी भी मैं आपको कहूंगा स्टॉक के अंदर आपको कोई भी फ्रेश एंट्री नहीं लेना है। यदि फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं थोड़ा वेट कीजिए, स्टॉक फिर से नीचे की तरफ आएगा लगभग लगभग 130 रुपए के आसपास यदि आपको स्टॉक यहाँ पर देखने को मिलता है, आप डेफिनेटली यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं यदि रिवर्सल दिखता है तो। इस केस में अगर आप एंट्री तो नीचे की तरफ आपको जो स्टॉप लॉस यहां पर रखना होगा वो कितना होगा, तो ऊपर की तरफ टारगेट के साइज देखिएगा। यहां पर अगर 130 के आसपास बाइंग करेंगे तो 150 के आसपास का आपका यहां पर टारगेट है, 20 पॉइंट का आपको यहां पर टारगेट दिख रहा है। इसके लिए मैं आपको मात्र 5 पॉइंट की रिस्क दूंगा। यदि 130 पे आप बाइंग करते भी हैं तो नीचे की तरफ 125 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख करके आपको यहां पर बाइंग करनी चाहिए। अब मैं आपको यहां पर बताऊंगा इस स्टॉक के बारे में एनालिस्ट की क्या राय निकल करके आ रही है। यहां पर आप देख सकते हैं एनालिस्ट का टारगेट हमने लगा हुआ है, यहां पर दिखाया जा रहा है 50% एनालिस्ट की कवरेज निकल करके यहां पर क्या आ रही है बाइंग के लिए। कितने एनालिस्ट कवरेज है, 14 एनालिस्ट में से 7 एनालिस्ट आपको यहां पर कहते हैं बाइंग कीजिए और 7 आपको अवॉइड करने का कह रहे हैं। बाइंग तो डेफिनेटली कर सकते हैं लेकिन अभी गिरावट का दौर है, अभी बाइंग नहीं करना और कोई भी लॉन्ग टर्म एंट्री यहां पर हम नहीं लेंगे, शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाएंगे। 5 पॉइंट की यहां पर क्या रहेगी हमारी रिस्क इन्वॉल्व, नीचे की तरफ 130 के आसपास बाइंग करके 125 का स्टॉप लॉस रखेंगे, ऊपर की तरफ 150 रुपए का यहां पर टारगेट रहने वाला है। यहां पर आप देखेंगे इसके कुछ फंडामेंटल पैरामीटर, यहां पर आप देखिएगा इसके मार्केट कैप की बात की जाए 12,757 करोड़ रुपए का करंट प्राइस चल रहा है 143 रुपए और बुक वैल्यू इसकी बहुत कम है। ये देखिए बुक वैल्यू मात्र 8 रुपए की आपको देखने को मिलती है। हाई और लो की अगर बात की जाए 252 रुपए का हाई और 129 रुपए का लो पिछले 52 वीक में हमने यहाँ पर देखा। डिविडेंड यील्ड बिल्कुल नी के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी 1.40 की। फेस वैल्यू मात्र 1 रुपए की यहाँ पर निकल करके आती है। डोमेस्टिक इंस्टेंट की होल्डिंग, इसके पहले हम यहाँ पर देख सकते पी रेशो को, ये देखिए स्टॉक का पी कितना है 43.9 जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ पर देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 62.1 बहुत अच्छा यहाँ पर निकल करके आ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपको दिखाई देगा 47.6%। यहां पर आप देखिए इंडस्ट्री पी की अगर बात की जाए, इंडस्ट्री पी के कंपेयर में स्टॉक का पी बिल्कुल सही नहीं है। यहां पर एक बहुत बड़ा रीजन है कि स्टॉक के अंदर बाइंग आपको अभी नहीं करना चाहिए। अब होल्डिंग पैटर्न देखिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग कितने निकल करके आ रही है 15.5 जो कि रिस्पेक्टेड है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग यहां पर 21.7 आपको दिखाई दे रही है, बहुत ही स्टैंडर्ड यहां पर आपको देखने को मिल रही है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए 62% की पब्लिक होल्डिंग है, प्रमोटर के पास कोई भी होल्डिंग यहां पर आपको देखने को नहीं मिलती। प्रॉफिट की बात करें कंपनी प्रॉफिट में डेफिनेटली, लेकिन धीरे धीरे प्रॉफिट कम होता जा रहा है,
291 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में पिछले साल हमें कंपनी यहाँ पर देखने को मिली। तो ऑल ओवर सारी चीज डिस्कस करने आपको बताना चाहूंगा कि 50% चांस यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए लेने के लिए आपको नीचे की तरफ आता है स्टॉक, तो 130 के आसपास अगर आप बाय करें 125 का स्टॉप लॉस रख करके ऊपर की तरफ 150 रुपए का टारगेट यहाँ पर रखा जा सकता है। तो फ्रेंड ये था हमारा टेक्निकल व्यू IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज शेयर को लेकर के। इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को अभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।